हेलो। सलामकुम वालेकुम सलाम। चाचा, की हाल है? ठीक हाँ, कौन चाचा भाई? असलम बोल रहे हैं। असलम? हाँ असलम जी, मैं सुना, की हाल? ठीक हूँ। और तुसी सुनाओ, से ठीक है? हाँ जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तू ठीक है जी। सुना? आने कोई नहीं, बैठा सी, फालसे खांदा सी। अच्छा, मैं हाँ, इदा कि वो थोड़े ना अकाउंट च पैसे लवाए है 4.5 लाख रुपया। 4.5 लाख रुपया? हाँ जी, ये तुसी अच्छा सवेरे मजान बैंक च लवाए है, उतो कढ़ा के ना सवेरे घर दे देना, ते घर थोड़ी जरूरत। ठीक है। सब काम शाम ठीक है ना? हाँ जी, हाँ जी, काम ठीक है, ता ही तो पैसे भेजे ताकि माल लिए। अच्छा हाँ जी, चलो ठीक है, हुण तुसी ना सवेरे नु कढ़ा के दे देना। चल ठीक है, मैं सवेरे कटा के तो मैं दे दूंगा। फिक्र सलाम क्यों सारे, अल्लाह हाफिज। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज। हेलो। अस्सलाम वालेकुम, मिजान बैंक की तरफ से महमूद बात कर रहा हूँ। क्या मैं मुख्तियार भाई से बात कर रहा हूँ? जी, मुख्तियार साहब, आपके अकाउंट में ना इस वक्त 4.5 लाख रुपए की अमाउंट आई है, ₹4.5 लाख की एक अमाउंट आई है। तो आपने मंगवाए हैं? हाँ, वो मेरे भतीजे ने कर लिया कराची में। तो आपको गाइड करना था कि आपके अकाउंट की वेरिफिकेशन होगी, इनको आप निकलवा नहीं सकेंगे। आप सुबह बैंक आ जाएं तो वहां से आकर इन वेरिफिकेशन करवा लें। मतलब आपने बैंक में आना अपना ओरिजिनल शिनाख्ती कार्ड लेके, और वहां पे आपका अंगूठा लगेगा, थंब, तो उसके बाद आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा, फिर आप अपने पैसे निकलवा लेंगे। चलो हम सवेरे निकलने गए, आज नहीं निकल दे। जी, सुबह ही निकलेंगे, अब तो टाइम आउट हो गया है। तो अपना ख्याल रखिएगा, निजान बैंक के साथ तावन का शुक्रिया। ठीक है जी, अल्लाह ठीक हाफिज। है, अल्लाह हाफिज। हेलो। सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। चाचू, की हाल है? ठीक है भतीजे? चाचा हाँ पैसे कटा जी। ले तुसी? नहीं यार, बैंक वाले दी मैनू कॉल आई सी हुणे, वो कहंदे तेरे अकाउंट दी वेरिफिकेशन होनी है, फिर निकलने हैं। नहीं तो तुसी पहले वेरिफिकेशन नहीं कराई हुई? पता नहीं कराई तो सीगी, वो कहंदे पता नहीं सवेरे कहंदे शनाख्ती कार्ड लैके आ, अच्छा, फिर तो हूं अंगूठे अंगूठे दोबारा लाने आ। मैं तो थोड़ा जहा इतने फंस गया, मैं थोड़ा काम खराब हो गया, तो पुलिस आला मैंने रोक लिया। क्यों खैर होवे? बस वो थोड़ा जहा रौला, ते वो दे दो आके काम छोड़ता पाया, ते 1.5 लाख रुपया मांग रहे हैं। ते तुसी ना कितों अरेंज कर दियो, सवेरे जेडे पैसे ना इन्हां चो कढ़ा के, ते फिर तुसी रख लेना अपने। हाँ चलो जी, छेती मैं पूछदा। ज्यादा टाइम लाता ना, ते असी ये तानू ले जाना थाने, ते फिर काम खराब आ। चल तू मैनू नंबर सेंड कर दे, नंबर सेंड कर दे, मैं कर दूंगा कुछ। नंबर सेंड कर दा, नंबर सेंड करके ना ते तुहानू दसदा फिर। ठीक है, मैं कहदे को पूछा हूं पैसे भाई नू कॉल करता। पुछता मुंडे नूं 50,000 ही होया, चलो मुंडे दी जान तो बचाई, पता नहीं कित्थे खबीज पुलिस वाले पिछे पै जांदे आ। आपका मतलूबा नंबर इस वक्त बंद है, बराए मेहरबानी कुछ देर बाद कोशिश कीजिए। ये नंबर ही बंद आउण डिया, आएगी रौला? ये नंबर इन्हें कातों बंद करता, इन्हें दूए नंबर से करदा। और असलम तेरा नंबर क्यों बंद है दुआ? मेरा ही कोई नंबर है, मेरा दूसरा नंबर केड़ा आ गया जी? आप हुणे तू मैनू अगे कॉल कीती ते सीगी, तू मैनू 4.5 लाख रुपया नहीं कल्ले आगे? नहीं चाचा, मैं तो तेनू कोई 1 रुपया नहीं भेजा। मैं भेजने होंगे तो घर वाले कौन से भेजता, तुहानू कल ही भेजने सी। यार मैनू हुणे ही अगे तेरी कॉल आई सी के मैं 4.5 लाख रुपया कल्ले आ मिजान बैंक च, तो कढ़ा के सवेरे घर दे दियो। तो फिर ते थोड़ी देर बाद दोबारा तेरी कॉल आई है कि मैंने पुलिस वाले ने फड़ लिया, मैंने पैसे घलो वापस 1.5 लाख रुपया। मैं आना मंगे आ एक दो बंदे को, मांग के तो मैं 50,000 करके मैं घलाया, तो हूँ नंबर ही बंद आन दिया। मैं तां तेनों इस नंबर से कॉल की है। मैं तो तुहानू 1 रुपया नहीं भेजा, ते तुसी पहले किसी नूं पुछ ते लेना सीगा, ते हुण ओह जिहनू भेजे आ ओह नंबर चल रिहा। तुहानू मैनूं नहीं लगदा और कोई फ्रॉड तो नहीं हो गया? तुसी पता नहीं, करो ओह नंबर दे, चेक करो ओहनूं, ट्राई करो किहदा। मैं तो तुहानू 1 रुपये लई नहीं फोन कीता, मैनूं तो कोई रौला नहीं हैगा, मैं तो अपना काम कर रिहा। ते अच्छा किन्ने पैसे कराए आ? 50,000। लो, 50,000 कोई निक्की जी रकम तुसी चुक के कराता।
मैं गया असलम, मेरा भतीजा उसे पुलिस वाले को फसया, ओदी मैनू मेरी तेरी कॉल आई कि मैनू पुलिस वाले ने फड़ लिया। चलो हुण तुसी पुलिस वाले ने फड़ गोलमाल लिया, हुण है तुसी थाने भाई, चलो जाके गोलमाल रिपोर्ट है, कराओ। लगता आज नहीं कहानी फिट हो गई है। चलो अच्छा देखें जी, ये वीडियो थी एक सबक आमोज, और ये इस तरह से कुछ फ्रॉड किए जाते हैं, तो आप लोगों को ये बताना था कि अगर आपको कभी इस तरह की कोई कॉल आए तो आपने फ़ौरन से पहले अपने उस बंदे को खुद अपने उसके पर्सनल नंबर पे कॉल करनी है, उससे इस चीज़ को क्लियर करना है कि वाकई वो कॉल कर रहा है आपको या आपके साथ कोई फ्रॉड हो रहा है। इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि दूसरे लोग भी इस चीज़ को समझ सकें और इस फ्रॉड से बच सकें। अपना ख्याल रखें, हमें दुआ में याद रखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज़।